हेलो फ्रेंड्स, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इन दोनों पर जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। तो भाई ये कोई नियमों का उल्लंघन इन्होंने किया था 2019 में। मैं पूरा एकदम भाई एक छोटे से संक्षेप में बता दिया आपको। तो उसमें से 4 करोड़ जुर्माना लगाया बैंक ऑफ इंडिया पे, 2 करोड़ का लगाया पीएनबी पे। और अगर आपको पूरी खबर पढ़नी है तो इसको पॉज करके पढ़ लेना, मैंने भाई एक शॉर्ट तरीके से बता दिया आपको। अब चार्ट पर सीधे ले आया हूँ और ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करूंगा। ऊपर के लेवल पे मैंने मना किया था, अवॉइड किया था कि भाई यहाँ पे आप मत खरीदें। भाग एक तो इतना भाग गया था, ऊपर से खबरें इसमें आ गई थी, रिजल्ट थोड़े ठीक थे तो भाई लोग यहाँ पर भर भर के खरीदने लगे। और कई सारे चैनल्स और भाई जो होते हैं भाई एनालिस्ट, उन्होंने टारगेट दे दिए कि भाई अब ये 100 रुपये चला जाएगा, 500 चला जाएगा। तो भाई हो सकता है आपको भाई होप जग गया हो एक, तो भाई आपने भी यहाँ खरीद लिया हो। तो अगर फंस गए हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पीएनबी जैसे स्टॉकों में आपको फिर वेट करना पड़ सकता है। कब ऊपर आए ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है आज की जो न्यूज है उसकी वजह से थोड़ा और गिरावट हो जाए इसमें। और आपको पता है मैं ऐसे स्टॉक में जो सालों साल डाउन ट्रेंड में चलते हैं, मैं इनमें ना तो शॉर्ट टर्म करना पसंद करता हूँ ना लॉन्ग टर्म करना पसंद करता हूँ। और बाकी अगर भाई आप इसमें भाई आपको अच्छा लगता है कि पीएनबी भाई आगे आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है तो इसे नीचे और आने दें, तब बाइंग लेवल यहाँ पर खरीद सकते हैं। ये 35 रुपये के आसपास अगर आता है भाई, किसी सिनेरियो में आ जाता है, गिरावट आती है और आता है, तो भाई यहाँ खरीद लें। आपको लॉन्ग टर्म के लिए भाई अच्छा लग रहा हो कि भाई 20 साल 15 साल के लिए भाई ये मल्टीबैगर बन जाएगा, मैं तो कहता हूँ भाई नहीं बनेगा। और ना मैं खरीदने जा रहा हूँ ना मैं सलाह दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है तो कर सकते हैं। और यहाँ आरएसआई देखेंगे तो भाई थोड़ी पहले से वीक हुई है और यहाँ भी सेल सिग्नल बन जाएगा। अगर 1-2 दिन और गिरावट हो गई तो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना। और भाई अदर चैनल्स भी देख सकते हैं, उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। मैंने जो अपना व्यू है वो क्लियर कर दिया, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।